फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान हमें कैफीन युक्त पदार्थों से दूरी रखनी चाहिए, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कैफीन से दूर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए वो कैफीन की मात्रा को बढ़ाती ही चली जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताने वाली हूँ कि ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करना गर्भावस्था के दौरान कैसे आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। यदि आप ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, तो कैफीन के खतरे की वजह से गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। कैफीन की मात्रा शरीर में ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, और गर्भावस्था के टाइम पर ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कैफीन की मात्रा शरीर में ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब भी आता है, क्योंकि शरीर के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। कहा जाता है कि गर्भावस्था में ज्यादा पेशाब जाने से शरीर की क्लीनिंग ज्यादा होती है, जो कि गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करने से भूख मरती है और गर्भावस्था में वजन घट जाता है, जबकि आपको और हमें अच्छे तरीके से पता है कि गर्भावस्था के टाइम पर महिला को वजन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इसीलिए ज्यादा चाय कॉफी आपके वजन को घटा सकती है। एक बार कैफीन का सेवन करने से गर्भावस्था की अवधि 5 घंटे तक आगे बढ़ जाती है, जो कि गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यदि आप कैफीन की मात्रा अपने शरीर में ज्यादा कर लेती हैं, तो आपको दीर्घकालीन और लघुकालीन बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। शरीर के काफी अंगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सेहत और आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए गर्भावस्था के टाइम पर अपनी इच्छाओं पर थोड़ा काबू करें और चाय और कॉफी को थोड़ा कम ही सेवन करें। सो फ्रेंड्स, ये थे वो होने वाले नुकसान जो ज्यादा चाय और कॉफी या फिर कैफीन का सेवन करने से गर्भावस्था के दौरान आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए इन सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।